नमस्कार जी, आज पहुंचे हैं विधानसभा बादुड़ के अंदर में, और आज हमारे पास में सामने देख रहे कैमरे पे काफ़ी वंचित चेहरे हैं, कोई चेहरे की मोहताज नहीं है, जनता जानती है। पूछना चाहते हैं आज विधानसभा बादुड़ के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। बहादुरगढ़ हल्के में बहुत अच्छा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव बड़े जोरों पर है, और कल एमपी साहब आए थे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, और बहुत अच्छा रात को उनका दो जगह कार्यक्रम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, और चुनाव प्रचार दिन पे दिन उठता जा रहा है। और अब मुकाबले में मेरे को लगता नहीं है कोई है। राजेंद्र सिंह जून लगभग 15,000 से 20,000 वोटों के जीत लेकर बहादुरगढ़ से विधानसभा पहुंच रहे हैं। एक खुले चल रहा है साहब कि वोटों की मंडी लग रही है, खरीद फरोख हो रही है, ये अफवाह है या हकीकत है, क्या बताएंगे डॉक्टर साहब? चाहे अफवाह है चाहे हकीकत है, यहाँ के लोग बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ लोग हैं जी। क्योंकि जो प्रलोभन लोग दे रहे हैं वो समाज के लिए भी अच्छा मैसेज नहीं है, और उस मैसेज को मैं तो ये मानता हूँ कि जो सिक्के बांट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो अपने आने वाली जनरेशन के साथ धोखा कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कल को आकर हमारी जनरेशन यूँ कहें आपने किसी से पैसे लेकर किसी को वोट दी थी। तो मेरा यही है, और सबसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है पूरे हल्के से इस चुनाव को भाई राजेंद्र सिंह जून समझकर, भाई दीपेंद्र हुड्डा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा समझकर लड़ें, और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं हुड्डा साहब को। और मैं तो ये कहूँगा राजेंद्र जून अब की बार देखो चूकना नहीं है, अब की बार विधानसभा में जीत कर जाएंगे तो पक्का मंत्री बनेंगे, क्योंकि 4 बार से वो MLA। जैसे लोकसभा में बड़ी लीड के साथ में दीपेंद्र जी को जिताया है जी, इस चुनाव में विधानसभा में क्या उम्मीद है सर? विधानसभा में बहुत अच्छा है। एक प्रलोभन चल रहा है कि भाई लालच दिया जा रहा है कि वोटों को किस तरह से तोड़ा जाए। कुछ यूँ भी है कि भाई इतने दिन से जमा हुआ विधायक है अब के बार बार इस न वोट देंगे, लेकिन वो कर्मठ है, कर्मशील है, योग्यता है उसमें, और लोगों को साथ लेकर चलने की। और अब की बार मेरा ये मानना है कि राजेंद्र जून झज्जर ज़िले में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर विधानसभा में पहुँचेगा। जी पार्षद साहब जी, नमस्कार जी। नमस्कार, आज क्या बताएंगे जनाब, विधानसभा बादरूड में क्या चल रहा है, किसका जोरा शोर है, जनता क्या बोलती है? राजेंद्र जून का जोर शोर है जी, ईमानदार बड़ी आदमी हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, बहुत काफ़ी वोटों से राजेंद्र जून जी जीतेंगे। और ये जो 2 मिनट पहले बात हो रही थी रुपये की खर्चे की, ये ऐसा तो कोई है नहीं जी। ये जो माता बहनों को सिक्के चुनड़ी दिए जो बांटे हैं, ये एक माता बहनों को अपमान ही किया है जी जी। किसी को बहन मानते हैं तो उसकी कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं करवाई जाया करती जी जी। जैसे आधार कार्ड, गरीबी का फायदा उठाना, उसकी गरीबी का फायदा उठाना, ये राजनीति के चीज़ नहीं होती है ना। सेवा जो कहते हैं हम समाज की सेवा करना, ये कोई सेवा नहीं होती। सेवा होती है आदमियों को अच्छी सुविधाएँ दो, भाई नौकरी की बच्चे नौकरी लगने लग लायक होगी, नौकरी की सिफारिश करो। राजनीति ये होती है, ये नहीं होती गरीब को फाउंडेशन करना हो गया। ये मैं तो उनको यार, यहाँ से चौधरी राजेंद्र जून जी काफ़ी भारी मतों से जीतेंगे। कल दीपेंद्र भाई साहब भी आ रहे थे, उनका भी यही कहना था। और जो लोगों को मूलभूत सुविधा देनी है तो पहले ही सरकार देने लग रही है, कांग्रेस सरकार पहले ही देने लग रही है। पेंशन भी बढ़िया करने लग रही है, बूढ़ा बूढ़ी का जो गुजारा ठीक रह जाए, भाई माता बहना का मान सम्मान के लिए सिलेंडर भी 2,000 रुपये, ये भी काफ़ी चीज़ें देने लग रही हैं। कई बार ये 5 साल मिलेंगी, और ये जो ये दी हैं कि न चुंदरी की, न सिक्के की, न के में, ये एक बार ही मिलेंगे जी। कई लोग कहते हैं जी राजेंद्र जून साहब जो है जनता के बीच में कम रहते हैं। नहीं, एक सब गलत कहते हैं, बतेरे बीच में छक्के रहते हैं, सबके दुख सुख में है। रात के से 12 बजे फ़ोन कर लो, उनके पास जब भी फ़ोन उठाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सबके बीच में रहते हैं जी। और जनता राजेंद्र जून साहब ये विकास से खुश है जी? खुश है जी। मैं तो पार्षद हूँ जी, मैंने यहाँ मेरे ही जो 2.5 साल गुजरे हैं, मैंने पता है इस कट्टर सरकार में, मैं तो नहीं कहूँगा रंडे की सरकार में, जो बयान माटी मारे वार्ड के इनकी जो आज के टाइम आप देख लो, किधर है और किधर रोड नहीं है, किधर कुछ नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे CM बनती है, हमारे विकास के काम होंगे, बहुत अच्छे विकास के काम होंगे। आज किसी गली देख लो, क्या देख लो जी, देखो जी हमारी तस्वीर का तो ऐसा है, बहादुरगढ़ का इतना तगड़ा सुधार हो जाएगा जी। जो विकास का पहले एक नंबर पर पहले हरियाणा आ करता ना, उस तो मेरे ख्याल में बहुत घना अच्छा होगा। इन 2 साल में जो
ग्रान मट्टी भादरगढ़ की हुई है। आप चाहे बॉर्डर से बढ़ लो, कहीं से भी बढ़ लो, कहीं से एंट्री कर लो, आप सेक्टर या कोई भी कॉलोनी हो, मतलब सारा खड़े अपना खड़े मिलेंगे, अंधेरा मिलेगा, ये मिलेगा। हमारी कमेटी था बीजेपी के राज में ऐसे तो चार दिन था इधर लाइट अंधेरी रही। देखो कर्म होता है तो आप लोगों ने हमें समय दिया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार जी।